हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डेल पब्लिक स्कूल ततारपुर। ऑल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम एंड डू योर स्टडी। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमारी एक्सरसाइज टू रनिंग में थी। एक्सरसाइज टू हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, एंड इसमें हमारी लास्ट एक्सरसाइज 2.5 कंटिन्यू में थी। 2.5 के हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है 7y+4 upon y+2 = -4/3। सेम ऐसा ही प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही था, तो इसे एक बार वापस देख लेते हैं। -4/3, अब माइनस मैंने क्या बताया था, चाहो तो 4 के साथ ले लो, चाहे 3 के साथ, किसी के साथ भी, और हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हो जाएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई 7y+4, और ये हो जाएगा -4 के साथ मल्टीप्लाई y+2। 3 को 7y से किया 21y, 3 को 4 से किया 12, -4 × y -4y, -4 × +2 -+ -4 × 2 = 8। अब y वाले टर्म्स एक तरफ, बिना y वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। ये माइनस का 4y इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 4y, इधर है -8, इधर से प्लस के 12 उधर जाएंगे तो -12। 21y+4y कितने बने, 25y। -8 और -12, दो माइनस के नंबर ऐड होते हैं, साइन माइनस का, 8 और 12 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 20। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y के साथ 25 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में, माइनस के 20/25। दोनों किससे कैंसिल हो रहे हैं, किसकी टेबल में आते हैं दोनों, 5 की टेबल में। ये 5 से 4 टाइम्स एंड ये 5 से 5 टाइम्स, यानी हमारी y की वैल्यू कितनी आई है, -4/5। इजीली हमारा आंसर आ गया क्या, y = -4/5। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है द एजेस ऑफ हैरी, हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। दो बॉयज हैं हरी एंड हैरी, इनकी एजेस का हमें रेशियो दे रखा है। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ हरी एंड हैरी कितना दे रखा है, 5:7। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी रेशियो में कोई क्वेश्चन गिवन हो, दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x से। हमने काफी क्वेश्चन किए रेशो वाले, तो यहां पर x से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एज ऑफ हरी, हरी का रेशो कितना है 5, तो इसकी एज हो जाएगी 5x, एंड एज ऑफ हैरी, हैरी का रेशो है 7, हैरी की एज हो जाएगी 7x। दोनों की एज पता लग गई हमें, 5x और 7x। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 years from now, यानी अब से 4 साल बाद, 4 years later, देखो अभी हैरी की एज है 5x, 4 साल बाद कितनी होगी, उसमें 4 years ऐड हो जाएंगे, तो एज ऑफ हैरी, सॉरी हरी कितनी हो जाएगी, 5x+4, एंड एज ऑफ हैरी कितनी हो जाएगी, 7x+4। इसकी अभी 7x है, तो 4 साल बाद हो जाएगी 7x+4। क्या कहा है, 4 years from now द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, कि 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। तो 4 साल बाद उनकी एज का अगर हम यहां से रेशियो निकाले, तो कितना आता है, 5x+4/7x+4। देखो जो रेशो होता है 3:4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, रेशो को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो 4 साल बाद इनकी एज का रेशो कितना आया हमारे हिसाब से, 5x+4/7x+4, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 3/4, 3:4 दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4। अब ये बन गया हमारा, जो हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं काफी सारे, इसमें कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 5x+4 से मल्टीप्लाई एंड 3 को
7x प्लस 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5x 20x प्लस 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 7x 21x प्लस 3 इंटू 4 12, x x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x वाली टर्म्स एक तरफ, इधर ये है प्लस का 16, इधर से 12 इधर लाए माइनस का 12, इधर है 21x और ये प्लस का 20x उधर गया तो माइनस के 20x, 21x में से 20x माइनस होंगे क्या बचेगा x, 16 में से 12 माइनस होंगे कितना बचेगा 4, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी 4, तो x की वैल्यू यहां पुट कर दो 5 मल्टीप्लाई 4, तो हरी की एज तो हो गई 20 इयर्स एंड 7 मल्टीप्लाई 4 हैरी की एज हो गई कितनी 28 इयर्स। ठीक है स्टूडेंट, एक बार वापस से देख लो इस क्वेश्चन को, हमें क्या कहा था हरी और हैरी की एज का रेशियो है 5:7, तो रेशियो में जब भी होता है हम उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हरी की एज हो गई 5x, हैरी की एज हो गई 7x। अब कहा 4 साल बाद दोनों की एज में 4-4 इयर्स ऐड हो जाएंगे, तो हमने 4-4 दोनों में ऐड कर दिया, और 4 साल बाद कहा है कि इनकी एज का रेशियो हो जाता है 3:4। अब रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं डिवाइड करके, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 4 साल बाद रेशियो बनता है 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3:4, तो दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया और कर दिया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और फिर उसके बाद जो हमने काफी सारे पिछले क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, वही जैसा सेम एकदम क्वेश्चन हमारा बन गया। हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x की वैल्यू वहां पुट करी, हमें हरी की एज मिल गई 20 इयर्स एंड हरी की एज मिल गई 28 इयर्स। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं पहले। द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रेशनल नंबर है हमारे पास, तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द रेशनल नंबर, हमने मान लिया रेशनल नंबर क्या है x अपॉन y। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, यानी एक उसका न्यूमरेटर होता है ऊपर और एक नीचे डिनोमिनेटर, तो हमने रेशनल नंबर मान लिया x अपॉन y। अब यहां x और y दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, कि रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमरेटर से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8, कि उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर यानी y उसके न्यूमरेटर x से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। y किसके इक्वल है x प्लस 8 के, तो ये मिल गई हमें इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब इफ द नंबर इज इन इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, अब ये कह रहा है कि अगर हम डिनोमिनेटर को सॉरी न्यूमरेटर को तो इंक्रीज कर दे कितना 17, तो न्यूमरेटर बन जाएगा x प्लस 17 और डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दे कितना 1, तो यानी y में से डिक्रीज कर दे 1, डिक्रीज मतलब कम यानी y माइनस 1, तो जो हमारा रेशनल नंबर है वो किसके इक्वल बनता है 3/2 के। क्या कहा है वापस से सुन लो कि अगर हम न्यूमरेटर में 17 इंक्रीज कर दें तो हमारा न्यूमरेटर x था उसमें हमने 17 ऐड कर दिए, और डिनोमिनेटर में से 1 डिक्रीज कर दें तो हमारा डिनोमिनेटर y था उसमें से हमने 1 माइनस कर दिया, तो वो किसके इक्वल हो जाता है 3/2 के इक्वल हो जाता है, तो हमने इक्वल पुट कर दिया 3/2। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू y माइनस 1, ये हुआ 2x प्लस 34 और ये हुआ 3y माइनस 3। अब इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये तो 2x प्लस 34 इक्वल में 3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना पुट करना है x प्लस 8 माइनस 3,
ये हुआ 2x प्लस 34, 3 को x से किया 3x प्लस 3 को 8 से किया 24, माइनस के 3, ये बना 2x प्लस 34 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 में से 3 गए 21। अब x वाली टर्म्स एक तरफ, बिना x वाली टर्म्स एक तरफ, तो इधर है 34, इधर से 21 इधर आएगा माइनस का, इधर है 3x, इधर से 2x उधर जाएगा माइनस का, 34 में से 21 जाएंगे 13, और 3x में से 2x गए x, तो x की वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी 13। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट कर दो, यहां लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 8 यानी 21, तो x की वैल्यू हमें मिली 13 और y की वैल्यू हमें मिली 21, यानी हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 13 अपॉन में 21, हमारा रेशनल नंबर क्या होगा 13 अपॉन में 21। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2 हो गई है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज कर लेंगे उन्हें, और इन क्वेश्चंस को आज अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू अपनी करते रहना, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट साइज से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।